एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 बाय 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी क्या करेंगे, 2 से इसमें एलसीएम ले लेंगे और फिर इसे किससे कंपैरिजन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। यहीं से इसे इरेज कर देते हैं, इरेज ऑल। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया 2 का, 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इज इक्वल्स टू 0। देन वी विल कंपेयर दिस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल्स टू 0। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 2। कॉफिशेंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी, इट मीन्स माइनस के 4। कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, देन वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेट वैल्यू, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। माइनस के 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, राइट। तो 16 माइनस के कितना हो जाएगा, ये 4 दुनिया 4 दिया 12, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ठीक है, देन वी विल पुट दिस वैल्यूज इन द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ओके, क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई a, a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी दो वैल्यू होगी, एक बार तो प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। सबसे पहले प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 बाय 2। ठीक है, कब किया, जब हम इन दोनों को प्लस किया। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 2, इट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 1 बाय 2। तो इसके दो आंसर्स आए, एक तो 1 बाय 2 और एक आया 3 बाय 2। ठीक है, क्या किया इस वाले क्वेश्चन में हमने, 7th वाले में, सबसे पहले इसका 2 का हमने एलसीएम ले लिया। ओके सॉरी फ्रेंड्स, एक हमने इसमें मिस्टेक कर दी, इसमें मिस्टेक मैंने ये की है, 16 माइनस के 24, इट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 8। ओके, माइनस के 8 आएगी, इसका मतलब कितना होगा, यहाँ पर ये वैल्यूज नहीं आएंगी। होगा अगर अगर यहाँ पर माइनस 4 होता तो इसका वैल्यू वही से निकलता, जैसे आपको अभी मैंने दिखाया था। यहाँ पर माइनस के 8 हो जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 8 आइटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसे खोल कर भी लिख सकते हैं। खोल कर कैसे लिखेंगे, 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 आइटा राइट डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 आइटा डिवाइडेड बाय 4।